नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के निर्माण को मिली हरी झंडी। आपको बता दें, त्रिस्तरीय जांच कमेटी ने अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय की जमीन पर छात्रावास के निर्माण के संबंध में अपनी अनुशंसा भेजी है। 3 जिले के अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने विस्तृत तौर पर जानकारी दी है। बोलता खगड़िया से बातचीत करने के दौरान जरा आप सुन लीजिए। देखिए, कर्पूरी छात्रावास राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है, खासकर वैसे तबके के लिए जिसके लिए आर्थिक रूप से लोग सक्षम नहीं है कि शहरी क्षेत्र के बगल में कहीं रहकर कॉलेज इत्यादि या अध्ययन आगे भी कर सके, उनके लिए काफ़ी अच्छी योजना है। और इसके लिए एक बड़े लंबे समय से हम लोग भूमि की तलाश कर रहे थे। अंततः अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय की जो ज़मीन है उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था यूनिवर्सिटी को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए, और वहाँ से सेनेट की जो बैठक हुई उसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसमें दिलीप चौधरी जी थे जो एक्स MNC हैं, शकुंतला देवी जी थी और साथ ही साथ रुदल राय जी थे। इन तीनों की एक कमेटी बनाई गई जो स्थल जाँच करके एक प्रतिवेदन और अनापत्ति के संबंध में अपना मंतव्य देगी। तो आज जो है कमेटी के सदस्यों द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया साइट का, और साइट पर ADM, SDM, CO, उनके पूरे पदाधिकारीगण, साथ ही साथ बबलू मंडल जी भी थे जो JDU के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। सब लोगों ने साइट जाकर देखा और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की। जगह जो है उनको 3 हम लोगों ने जगह साइट दिखाया, उसमें से एक साइट जो NH के जस्ट बगल में है उसको उन्होंने चयनित किया है और उपयुक्त पाया है और अनापत्ति एक तरीके से दे दी है। अब इसके साथ ही मार्ग प्रशस्त हो गया, अब वहाँ पर जननायक कर्पूरी ठाकुर OBC छात्रावास का निर्माण जल्द ही प्रारंभ होगा। और खासकर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब जब से मुंगेर का ये पुल बन गया है तो 3 जिले का वो एक जंक्शन पॉइंट के काफ़ी निकट है और वहाँ पर ही आगे की मुझे लगता है कि विकास की संभावनाएं उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है। और विस्तार जब होगा तो लोगों को आवागमन में और वहाँ से छात्रों को यहाँ पर पले जाने में कोई असुविधा नहीं होगी और अपना अध्ययन कार्य जो आगे चला पाएंगे। इस छात्रावास में सर कुल कितने ऐसे जो है बच्चे भाग ले सकेंगे, कितनी सीट्स हैं इसमें? अमूमन 100 सीट्स रहती है यहाँ पर इस तरह के महाविद्यालय हॉस्टल्स में। वहाँ पर पूरी तरीके से आवासन निःशुल्क है, साथ ही साथ वहाँ पर स्टाइपेंड भी दिया जाता है बच्चों को, रहने खाने की जो भी व्यवस्था है सब राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो एक तरीके से बच्चे का जो सोल इंटेंशन होना चाहिए वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई का है, बाकी सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।